नमस्कार, छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें आप लोगों को सारांश प्रतिवेदन कैसे भरना है उसके बारे में बताऊँगा। तो इसमें देखिए, 2020-2021 का दिख रहा है शैक्षणिक वर्ष, क्या आप सारांश में संशोधन करना चाहते हैं? तो इसको आपको हाँ करना है, अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसे आप हाँ करेंगे तो इसमें आपका ये जो शाला कोड का चयन करे वो खुल जाएगा, जिसको आपको कुछ भी नहीं करना है। शाला का प्रकार खुल जाएगा, उसको भी आपको कुछ नहीं करना है। शाला का नाम भी खुल जाएगा, उसको भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इसमें शाला का पता। तो ये शाला का जो पता है, इसमें आपको स्कूल का पता डालना है। उसके बाद आएगा पिन कोड, तो वहाँ पर आप पिन कोड डाल दीजिए, छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम, जो भी इसको भरना चाह रहा है प्रभारी, जो भी उस स्कूल का प्रभारी है उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर, डाल दीजिए इसमें मोबाइल नंबर। के बाद उनका मेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पर मेल आईडी हो जाएगा। उसके बाद सारांश प्रतिवेदन में जो बच्चों का जानकारी भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जनरल बच्चे हैं लड़के तो उसकी संख्या डालना है, जनरल बच्चे लड़कियां हैं उसकी संख्या डालना है। यदि आप हॉस्टल हैं तो हॉस्टलर की संख्या लिखना है, तो हॉस्टलर की संख्या डालेंगे तो नॉन हॉस्टलर को भी डालना पड़ेगा। जैसे आपके बच्चे में हॉस्टल में नहीं रहते, तो इसमें जहाँ पर जितना संख्या लिखे रहेंगे लड़के और लड़की की संख्या जितना भी रहेगा, मान लीजिए हमने यहाँ 5 डाल दिया, यहाँ पर 5 डाल दिया और यहाँ पर 5 डाल दिया, तो हॉस्टल में बच्चे नहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है? समझ गए ना? उसी प्रकार जैसे ओबीसी मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं लड़के और लड़कियाँ 2 हैं और वो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, तो नॉन हॉस्टलर की संख्या आ जाएगी 5। इस प्रकार से एससी में भी करना है, एसटी में भी करना है। फिर टोटल यहाँ पे आ जाएगा जितने बच्चे रहेंगे, ये यहाँ पे लड़कों की संख्या आ जाएगी और यहाँ पर लड़कों की संख्या, बॉयज़ टोटल और गर्ल्स टोटल, इस प्रकार से हैं टोटल में आ जाएगा। टोटल को आप मिला लीजिएगा, उसके बाद इस सेव ऑप्शन को आपको दबाना है। सेव ऑप्शन को दबाने के बाद इसके एक प्रिंट ले लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट को आप स्कैन कर लीजिए, या फिर इसको आप प्रिंट आउट लेने के लिए एक और ऑप्शन रहता है, आप इसको कंट्रोल पी करेंगे तो भी आ जाएगा। तो कंट्रोल पी करके पहले पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए, फिर पीडीएफ को सेव करने के बाद इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है, ऑनलाइन पीडीएफ टू जेपीजी। ऑनलाइन पीडीएफ टू जेपीजी लिखेंगे, उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। इसमें आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आप पीडीएफ को जो सेव किए हैं, उस सेव को ये जो चूज़ फाइल दिख रहा है उसमें आपको रखना है, और ये इसका जो क्वालिटी है उसको सेट कर सकते हैं आप। क्वालिटी में जैसे आपको 75 से DPI रखना है तो एकदम लो क्वालिटी आएगा, 150 से DPI करेंगे तो उससे अच्छी क्वालिटी आएगी, और एक्सीलेंट 300 तक है। तो हमारा जो रेंज रहेगा वो 75 तक के आप कर सकते हैं, 75 रेंज में आप ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन खुलता है। जब जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट ऑप्शन को ओपन करेंगे तो वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही डाउनलोड होगा, फिर से आप छात्रवृत्ति पोर्टल में आ जाएंगे, होम बटन में जाएंगे। होम बटन में जाने के बाद सारांश प्रतिवेदन अपलोड करें, ये वाला ऑप्शन खोलेंगे आप, ये सारांश प्रतिवेदन अपलोड करें। तो जो आपने जो पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट किया है उसको आप निकाल लीजिए, और इसमें आप चूज़ फाइल में चले जाइए। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका जो फाइल है वो 100 KB का रहना चाहिए। कितने KB का? 100 KB का रहना चाहिए। तो 100 KB को रहना चाहिए, उसको जैसे ही आप 100 KB का डालेंगे और फाइल को अपलोड कर देंगे, फाइल अपलोड करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे दिखाना चालू हो जाएगा। यदि आपको लगता है कुछ गलती हो गया है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा, और देख लेने के बाद ओके जब हो जाएगा तो आखिरी में फिर आपको यहाँ जाना है और भुगतान के लिए सेंड टू, एम्बिग्यूटी भी जाँच कर सकते हैं, पहले एम्बिग्यूटी जाँच कर लीजिए, एम्बिग्यूटी जांच कर लीजिए, ये एम्बिग्यूटी जांच कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों की संख्या पूरा टोटल दिखा देगा,
ये इस प्रकार से उसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद जैसे आपका वेरीफाई होगा आप इसमें जाएंगे और सेंड टू डीओ में कर दीजिएगा। ये सेंड टू डीओ डाइस कोड डाल के, ये देखिए मैंने वेरिफिकेशन नहीं करके इसमें वेरीफाई करने के लिए आ रहा है, कृपया वेरीफाई करके उसके बाद इसको चैन करेंगे। ये चैन करके आप ओके कर दीजिएगा, फिर आपका सेंड टू डीओ हो जाएगा। ठीक है।